हेलो एंड वेलकम टू मूवी डायरी। मैं हूं शुभेंदु। इस वीडियो के अंदर हम एक फिल्म के बारे में बात करेंगे। फिल्म का नाम है ऐ वतन मेरे वतन। फिल्म के अंदर हम लीड रोल पर देख पाएंगे सारा अली खान को और इमरान हाशमी को एक एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए। फिल्म का डायरेक्टर है कनन अय्यर, जिन्होंने इससे पहले इमरान हाशमी स्टारर एक थी डायन मूवी का डायरेक्शन किया था। फिल्म को प्रोड्यूस किया है करण जौहर। तो चलिए जानते हैं कैसा लगा ये मूवी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए दिन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। गुलजार साहब का लिखा हुआ राजी मूवी की वो लिरिक्स, ऐ वतन मेरे वतन, एक ऐसा गाना था। सिर्फ गाना नहीं, पूरी मूवी ही ऐसी थी कि जितने भी पत्थर दिल के क्यों ना हो, आपको इमोशनल करवा ही देगी, पेट्रियोटिज्म फील करवा ही देगी। उसी गाने के लाइन को लेकर टाइटल रखा गया है इस फिल्म का। मैं यही कहना चाहूँगा मेकर्स को कि एक ऐसी फिल्म का जब रेफरेंस रखा गया है इस फिल्म के अंदर, तो कुछ तो उस फिल्म जैसा बनाया होता। फिल्म को 21 मार्च को रिलीज़ किया गया है। सच बोल रहा हूँ, पूरे 3 दिन लगे मुझे इस फिल्म को कम्प्लीट करने में। इतना बोरिंग, इतना ख़राब, इतना घटिया एक फिल्म है। मुझे बहुत नींद आ रहा था जब ये फिल्म मैं देख रहा था। जैसे तैसे करके 3 दिन के अंदर मैं ये फिल्म ख़त्म किया। मतलब क्या क्या खराब नहीं है इस फिल्म के अंदर, हर एक चीज़ इस फिल्म का बहुत ख़राब है। शायद इसीलिए इसको OTT पर ही रिलीज़ किया गया है, वरना शायद थिएटर पर रिलीज़ किया जाता अगर अच्छा होता तो। सारा अली खान, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इतने दिन हो गए, हर कोई आलिया भट्ट नहीं बन सकती, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो की होती। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि अनन्या पांडे का तब भी थोड़ा बहुत मतलब पोटेंशियल है, लेकिन सारा अली खान का कुछ नहीं हो सकता। अनन्या पांडे ने गहरैया मूवी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन आज तक सारा अली खान का एक भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला किसी भी फिल्म के अंदर। थोड़ा सा तो कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दिया होता, ऐसा लग रहा था जैसे डायलॉग याद करके बस उल्टी कर रही हो। अब सारा अली खान के बारे में क्या ही बोलूं, फिल्म का राइटिंग इतना ढीला है कि मैं तो पहले ही कहा था इस वीडियो को शुरुआत से पहले कि मुझे 3 दिन लगा इसको कंप्लीट करने में। नींद आ रहा था जब मैं ये फिल्म देख रहा था। कोई इंटेंस ड्रामा नहीं है, इमोशनल प्लॉट पॉइंट्स नहीं है, पेट्रियोटिज्म लिखा ही नहीं गया। एस्टेब्लिश करने की बात तो बस दूर की बात है, ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश ही नहीं की गई है। इतना डल परफॉर्मेंस, इतना खराब राइटिंग, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट्स तो कुछ है ही नहीं। उषा मेहता जी, जिन्होंने उस वक्त रेडियो से प्यार करके इतना बड़ा एक काम किया था, तब तो यूट्यूब या ऑनलाइन कोर्सेस नहीं था, जो कि रेडियो टेक्नोलॉजी 6 महीने का एक क्रैश कोर्स करके सीख लिया। जो मेहनत उसने की इसको सीखने की, रेडियो के प्रति उनकी जो चाह थी, ये सब कुछ दिखाया ही नहीं गया इस फिल्म के अंदर। मुझे वैसे भी ट्रेलर से ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है, और हुआ भी बिल्कुल वही, उससे भी ख़राब है ये सिनेमा। इवन इमरान हाशमी वॉज ऑल्सो इनटॉलरेबल, प्रोस्थेटिक मेकअप में हंसी आ रहा था। ओवरऑल मेरे लिए ऐ वतन मेरे वतन इज़ ए वेरी डल, बोरिंग एंड वेस्ट ऑफ टाइम मूवी है। अगर आपने ये फिल्म देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।